आप तीनों इसमें से एक एक पर्ची उठाएंगे, जिसके पर्ची में जो नाम आया वो चरित्र निभाएगा इस नाटक में। पहले आप उठाइए। ओके। मैं बनूंगा भगवान शिव। अच्छा हुआ मेरी पर्ची में भगवान शिव का नाम है, नहीं तो ये गन्नू अपनी पर्ची के चक्कर में मुझे पार्वती माता बना देता। बस बस अब और समय खराब मत करो, जल्दी से दूसरी पर्ची उठाओ। अभी आप लीजिए। पहले हम उठाएंगे। अरे माया खोला अपनी पर्ची, देखना क्या लिखा है इसमें। हाँ बुआ जी, हमें पता है हमारी किस्मत में क्या है। पढ़ने की जरूरत तो रंगेली को है, इसे ही पढ़ने देते हैं। अच्छा भगवान शिव को उनकी सती मिली गई। ये कैसे हो सकता है, हमने तो लाल वाली चिट पे अपने हाथों से सती लिखा था। नीला रंग विनायक का फेवरेट है, इसलिए वो पक्का नीली पर्ची ही उठाएंगे, और ये लाल हमारे लिए, और ये पीली पर्ची सिद्धि के लिए। रंगीले, तुझे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। माता सती ने भगवान शिव के लिए जो बलिदान दिया था उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। सती और शिव की प्रेम कहानी इस संसार की सबसे अनोखी और विशेष प्रेम कहानी है। आपने 16 आने खरी बात कही दी थी, माता सती और भगवान शिव की प्रेम कहानी, माता सती के त्याग और समर्पण की कहानी, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए, अपने प्रेम को पाने के लिए माता सती ने जलती हुई आग में कूद के अपने प्राण त्याग दिए। अरे माया राजा दक्ष बनेगी, जो माता सती और भगवान शिव को अलग करना चाहते थे। राजा दक्ष को तो नहीं देखा, लेकिन एक बात तय है, अरे हमारी माया बहुत सुंदर राजा दक्ष बनेगी, है ना माँ? देखो देखो, राजा दक्ष बनने की इतनी उत्सुकता है कि अभी से तैयारियां करने चल दी। चलो भाई तुम लोग भी शिव सती बनने की तैयारी करो, नाटक शुरू करना है। चलो 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 चलो।
हमें आशीर्वाद दीजिए गणपति महाराज। हम ये नाटक सिर्फ इसलिए करने जा रहे हैं ताकि माया हमें विनायक के पास देख के अपनी गलती को महसूस कर सके, उसे ये बात समझ आ जाए कि वो हमसे हमारा सब कुछ छीन सकती लेकिन हमारा सुहाग नहीं छीन सकती। माया कैसी भी है गणपति जी, पर हमारी बहन है वो, हम उसे सही रास्ते पे वापस ला कर रहेंगे और ये काम बिना आपके आशीर्वाद के संभव नहीं है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इस बच्चे में भगवान खुद वास कर रहे हैं? माया ने इतनी रात में घर पे क्यों बुलाया मुझे? I know, पैसे देने की इतनी जल्दी तो नहीं हो सकती सर, जरूर कोई और ही बात है। माया, मुंह क्या देख रहा हूं, खोलो। मैं छोड़ो, हमें छोड़ो, छोड़ो हमें। क्या हो गया तुम्हें? किसने किया सब? कौन आया था? तुमने किया? इसमें तो घी खत्म होने वाला है। हे गणपति महाराज, जोत की तरह इस घर की खुशियों को कभी बुझने मत दीजिएगा। हमारी मदद कीजिए कि हम माया का सच सबके सामने ला सके, क्योंकि अगर ये नहीं हो तो हम माया और अपने पति को कभी सही रास्ते पे नहीं ला पाएंगे। ये सब क्या माया? हम चाहें तो अभी ये वीडियो पुलिस को दिखा के तुम्हें जेल भिजवा सकते हैं। कितनी कमीना है तुम माया, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तू जानती है ना, एक पल में तेरी इज्जत सबके सामने दिखा दूंगा मैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? तुम हमारा असली चेहरा सबको दिखाओ, उससे पहले हम ये वीडियो सबको दिखा देंगे और फिर कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा, कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तेरी बस, अब कोई भी बेवकूफी की ना तो हम पुलिस को फोन कर देंगे और वो तुम्हें यहाँ से घसीटते हुए ले जाएगी। ये घर वाले तुम्हें खुद जेल भेज देंगे। और एक रेप के आरोपी के साथ क्या क्या होता है ये तो पता है ना तुम्हें, पुलिस कैसे हैंडल करती है। पैसे मांग के हमें ब्लैकमेल करना बंद करो और उसके बजाय वो काम पूरा करो जो हमने तुम्हें दिया है। कौन से काम? हे गणपति भगवान, कल के नाटक में प्लीज मेरा साथ देना कि कल मैं अपनी सिद्धि को अपने प्यार का यकीन दिला सकूं और वो मुझे अपना सच बता सके। कल कुछ ऐसा कर दीजिए कि विनायक को लेके हमारे दिलों दिमाग में जो उलझन चल रही है वो सुलझ जाए। हम तो हमेशा से उनकी पार्वती बनना चाहते थे,
लेकिन उन्होंने हमें पहाड़ी से धक्का दे दिया। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्यों? कल घर में एक नाटक होने वाला है जिसमें सिद्धि सती का रोल करने वाली। हम चाहते हैं कि कल कुछ ऐसा हो कि सिद्धि सचमुच सती हो जाए। कल उस चिता में सिद्धि सचमुच जलेगी और उसके बाद हम अपने शिव रूपी विनायक के साथ पार्वती बनेंगे। शिव और पार्वती का साथ जन्म जन्म का है। उन दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है, एक साथ उनकी पूजा होती है। हम चाहते हैं कि हमारा नाम विनायक के साथ जुड़ जाए हमेशा हमेशा के लिए। लग रहे हो। मानना पड़ेगा, आज तो इस दो कौड़ी की नगरानी का रूप ही बदला हुआ है। माता सती के रूप में कह डा रही है। निशा, आरती की थाली लाना। अब जी दे दिया। ये शिव और सती की जोड़ी तो बहुत ही दिव्य, विशिष्ट और शक्तिशाली लग रही है। ईश्वर तुम दोनों को हर बुरी नजर से बचाए। बुरी नजर तो लग चुकी है दादिया, अब आपकी आरती उतारने से और दुआएं देने से वो बचने वाली नहीं। आज हम हवन कुंड में अपनी सौतेली बहन को सचमुच जिंदा जला के सच में सती बना देंगे। सच में आप दोनों बहुत कमाल लग रहे हो। हाय हाय गन्नू। अरे बेटा, ये तो भगवान शिव जी और माता सती की जोड़ी है। कोई भगवान शिव जी और माता पार्वती की जोड़ी नहीं है, जो तू गणेश जी बनके इनके गले लगा हुआ है। हा? दोनों में क्या अंतर है? माता सती और माता पार्वती एक ही शक्ति का रूप है बुआ जी। बिल्कुल सही कह रहा है गुरु। शक्ति के दोनों रूप ही भगवान शिव को प्रिय है और दोनों ही रूपों में उनकी अर्धांगिनी है। बस 5 मिनट में टेक्नीशियन आते होंगे, फिर वो पर्दा और हवन कुंड सेट कर देंगे, फिर हम नाटक शुरू कर सकते हैं। नाटक शुरू करेंगे, ठीक है ना गुरु? आज इस भस्म की तरह हवन कुंड में सिद्धि पूरी तरह से भस्म हो जाएगी। आज उसकी चिता जलेगी और कोई उसे नहीं बचा पाएगा। और फिर सती के सती होने के बाद हम बनेंगे पार्वती, हमेशा हमेशा के विनायक की अर्धांगिनी।
जल्दी मैं इस घर में वापस आऊंगा अपना हक लेने। हाय हाय हाय, भगवान शिव के रौद्र रूप में लगने वाली भभू तो हम यही भूल के जा रहे थे। चले एक मिनट, अगर माँ ने मुझे पहचान लिया तो सारा खेल यहीं रुक जाएगा। हाय हाय हाय, कौन हो तुम लोग हा? और ऐसे मुंह उठा के कहाँ चले आ रहे हो हमारे घर में? वो आपके घर से हमारी कंपनी को फोन आया था, वो हवन की नकली सेटिंग करने के लिए आए हम लोग। ओ, नकली हवन कुंड की सेटिंग के लिए आए हो, तो फिर वो तो होगा ना तुम लोगों के पास वो आईडी कार्ड, दिखाओ सर। और तुम, तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ है? अरे सुषमा, जाके देखो माया तैयार हुई या नहीं। जी माँ, हम देखते हैं। सुनो, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाना और नकली हवन कुंड जल्दी सेट करना। तुम दोनों की वजह से ना नाटक शुरू होने में देर नहीं होनी चाहिए, समझे? इस तरफ सेटिंग करनी है। थैंक गॉड माँ ने मुझे नहीं पहचाना, बेचारी माँ को क्या पता आज इस घर में नाटक नहीं बहुत बड़ा कांड होने वाला। अनुपम कथा का आरंभ कब हुआ? अब शुरू से शुरू करते हैं। इस महान और अनुपम कथा का आरंभ कब हुआ? जब कंखल के राजा प्रजापति दक्ष को उनके कठिन तप के कारण एक वरदान मिला और महाराजा दक्ष की यहाँ देवी ने सुंदर पुत्री सती के रूप में जन्म लिया। शुक्ला पक्ष की चंद्रमा की तरह जब बढ़ती हुई सती युवावस्था को प्राप्त हुई तो उन्हें भगवान शिव से प्रेम हो गया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। उन्होंने भगवान शिव के लिए घोर तप किया। जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनका प्रेम स्वीकार लिया। भाई साहब, एक बात तो बताइए, काम कैसे करता है ये जो हवन कुंड है? उसमें जो नीचे वाल लगा है ना, उसमें सेंसर लगा हुआ है। माचिस की तीली उस पर गिरते ही इसमें से नकली धुआं उठेगा और आग लगेगी। देखने वाले लोगों को ऐसे लगेगा जैसे आग असली है और धुआं भी असली है। हाँ दुबे जी, हाँ हाँ, आपका काम हो जाएगा। यहीं से सृष्टि की सबसे अद्भुत और महान प्रेम कथा का जन्म हुआ। महाराजा दक्ष इस प्रेम कथा और इस संबंध के पक्ष में नहीं थे, परंतु महाराज दक्ष के विरोध के बाद भी जब माता सती और भगवान शिव ने विवाह कर लिया तो महाराजा दक्ष बहुत क्रोधित हुए। कुछ समय बाद उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से उन्हें इसमें आमंत्रित नहीं किया। इस बात से क्रोधित होकर देवी सती ने अपने पिता दक्ष से वाद विवाद किया। करने को ना कहा, लेकिन महाराजा दक्ष ने पूर्ण भगवान शिव का अपमान किया और उन्हें बुला बुला बोला। पिताश्री, हम पूर्ण रूप से शिव के हो चुके,
सती शिव है और शिव सती। आप अपने बल से हमारे शरीरों को अलग कर सकते परंतु हमारी आत्माओं को ले हमारे प्रेम की अनंत यात्रा अगले जन्म में भी समाप्त नहीं होगी। आज इस हवन कुंड में आग तो लगेगी लेकिन नकली नहीं असली लगेगी। अगर सिद्धि इस आग में जलकर राख हो जाएगी। हाँ तो सिद्धि बेचारी नकली नाटक के चक्कर में सचमुच में सती हो जाएगी। इसी बात से क्रोधित होकर देवी सती महाराज दक्ष के सामने और सभी लोगों के सामने उसी यज्ञ के हवन कुंड में कूद के अपने प्राण त्याग दिए। इस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि ये इसका आखिरी नाटक है। बस इस तन्मय के बच्चे ने अपना काम ठीक से कर दिया हो। अब आएगा असली मजा। अलविदा सिद्धि। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.